ज्ञान वाणी। एक संत ने एक रात को स्वप्न देखा कि उनके पास एक देवदूत आया है। देवदूत के हाथ में एक सूची है। उसने कहा, यह उन लोगों की सूची है जो प्रभु से प्रेम करते हैं। संत ने कहा, मैं भी प्रभु से प्रेम करता हूँ, मेरा नाम तो इसमें अवश्य होगा। देवदूत बोला, नहीं, इसमें आपका नाम नहीं है। संत उदास हो गए। फिर उन्होंने पूछा, इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है? मैं ईश्वर से ही नहीं बल्कि गरीब असहाय जरूरतमंद सबसे प्रेम करता हूँ। मैं अपना अधिकतर समय दूसरों की सेवा में लगाता हूँ, उसके बाद जो समय बचता है उसमें प्रभु का स्मरण करता हूँ। तभी संत की आंखें खुल गई। दिन में वह स्वप्न को याद करके उदास थे। एक शिष्य ने उदासी का कारण पूछा तो संत ने स्वप्न की बात बताई और कहा, बेटा, लगता है सेवा करने में कहीं हमसे कोई कमी रह गई है, तभी मैं ईश्वर को प्रेम करने वालों की सूची में नहीं हूँ। दूसरे दिन संत ने फिर वही स्वप्न देखा। वही देवदूत फिर उसके सामने खड़ा हुआ था। इस बार भी उसके हाथ में एक कागज था। संत ने बेरुखी से कहा, अब क्यों आए हो मेरे पास? मुझे प्रभु से कुछ नहीं चाहिए। तब देवदूत ने कहा, आपको प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु का तो आप पर पूरा भरोसा है। इस बार मेरे हाथ में दूसरी सूची है। संत ने कहा, तुम उनके पास जाओ जिनके नाम इस सूची में हैं। मेरे पास क्यों आए हो? देवदूत बोला, इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। यह सुनकर संत जी को आश्चर्य हुआ और बोले, क्या यह भी ईश्वर से प्रेम करने वालों की सूची है? देवदूत ने कहा, नहीं, यह वह सूची है जिन्हें प्रभु प्रेम करते हैं। ईश्वर से प्रेम करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रभु उसको प्रेम करते हैं जो सभी से प्रेम करता हो। प्रभु उसको प्रेम नहीं करते जो दिन रात कुछ पाने के लिए प्रभु का गुणगान करते हैं। होती भक्ति के अंदर भगवान को खींचने की शक्ति होती है। बाकी सब साधन भगवान को सिर्फ प्रसन्न कर सकते हैं, खींच नहीं सकते। भक्ति का तो स्वरूप ही निराला होता है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों अगली वीडियो में।